यहाँ पे सारी सब्जियाँ वॉश करके रखी है और बाहर काम चल रहा है ना तो इसी वजह से आवाज़ आएगा बहुत तेज तेज आवाज आ रहा है अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा तेज था तो यहाँ पर धनिया पत्ता भी वॉश करके रखा है यहाँ पे सारी चीज़ें वॉश करके रख दी है अभी मतलब सैनिटाइज भी करके रखी है अब ये सूखने दूंगी और फिर जाके फ्रिज में रखूँगी यहाँ पर ये मैंगो भी वॉश कर रही हूँ अच्छे से इसे पहले लिक्विड डाल के सैनिटाइज कर लिया अभी ये पूरा वॉश कर अच्छे से सुखाने के लिए रख लूँगी अरे अद्वी खुश हो क्या अरे अरे कैमरे के सामने निकाल रहे अद्वी अद्वी खुश हो ना डालो

जंप मेरे जाला तो ही नहीं है, है नहीं। दिखा दिखा इधर यहाँ पर पर खड़े रहो यहाँ पर तो नहीं। अरे यहाँ पर तो खड़े रहो अरे इधर तो, तो आओ अरे हाँ, इधर देखो अरे वाह ये मेरा स्पाइडरमैन अच्छा आया अच्छा लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी है मतलब ए, इतनी भी ज्यादा गंदी नहीं है बच्चे खुश हो जाएंगे इतने पैसों में अच्छा यार अरे वाह 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 अद्विक अद्विक दिखा वो हुआ हाँ, ये देखो अभी ऐसे करो इसके जैसे ये इसके जैसे इसके जैसे करके बैठ के दिखा चलो अच्छा है अद्विक को मिल गया है अद्विक का फाइनली अभी पार्सल आया तो खुश हो ना आज तो दीदी का एक भी पार्सल नहीं आया अद्विक hmm. अद्विक का प्रॉमिस पूरा हो गया अद्विक आज तो दीदी का अभी दीदी रोएगी दीदी का तो एक भी पार्सल नहीं आया स्पाइडरमैन की वॉच भी पहन लेना अंकल को डरा दो स्पाइडरमैन की वॉच चलो अंकल को डराते हैं चलो 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 हां कपड़े <laughs> 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 है <मेर, मेर>, <laughs> और, और दिखाओ ना उधर शुभम भैया का है <laughs> <laughs> गाइज आज तीन टीम काम कर रही है घर पे कौन कौन सी वो भी बता देती हूँ एक है पीवीसी लगवाने के लिए आया है लोग तो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे फिर बाद में वहाँ का शेड जो बनवाना है हमें वो भी चल रहा है शेड का जो लोहा लगाना है पहले लोहा लगाते हैं उसका सेट तैयार करते हैं फिर टीन का शेड डालते हैं तो वो भी चल रहा है काम और कारपेंटर का भी काम चल रहा है तो तीनों टीम काम कर रही है घर पे और इतना आवाज़ आपको क्या बताऊँ इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है तो यहाँ पर अद्विक को खिला रही हूँ एक्चुअली खाना तो बन गया था दाल पालक बनाई थी और बस करेले की सब्जी बनाई थी तो यहाँ पर ये यह कारपेंटर का काम चल रहा है यहाँ पर उन्होंने लाइट्स वाइट्स लगा दिया है ये स्पॉच लाइट लगा दिए हैं तो कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वैसे इतने दिनों की मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई आज क्योंकि इतने दिनों से मुझे क्रॉकरी यूनिट में लाइट्स चाहिए थे स्पॉट लाइट्स बट आज मुझे स्पॉट लाइट्स लगा के दे दिए कारपेंटर भैया ने और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई यहाँ पर देखो हमारा छोटा सा स्पाइडरमैन वो पूरे घर में घूम रहा है स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन पहन के तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी पूरा स्पॉटलाइट की वजह एक अच्छा से एकदम अच्छे से लुक आ गया है यहाँ पर भी अब ये जो भरनियाँ है ना इसमें भी मैं एक स्ट्रिप लगाने वाली हूँ तो वो तो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा ही कि हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा तो सा कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए यार घर में अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पर भी लग गया है यहाँ पर भी लग गया है तो स्पॉटलाइट की वजह से एक मज़ा ही आ जाता है जैसे कोई क्रॉकरी हम लोग रखते हैं ना तो इसकी वजह से मजा आ जाता है क्रॉकरी का और अब वो लाइट गिरती है तो उसकी वजह से शाइन बहुत करता है तो इसी वजह से क्रॉकरी यूनिट में लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अच्छा भी दिखता है तो यहाँ पर वो चल रहा है काम और बस यहाँ पे ना मैंने उनको बोला था कि यहाँ पर पार्टीशन चाहिए क्योंकि जगह यूज़ नहीं हो रही है जगह यूज़ होती है तो अच्छा लगता है तो वहाँ पर उन्होंने बेसिन के नीचे पार्टीशन लगवा दिया और यहाँ पे इनका काम चल रहा है वो शेड का काम चल रहा है तोड़फोड़ बहुत हो रही है और घर में अभी तो कलरिंग किया था बहुत ग, गंदा लग रहा है और मुझे मेरा दिल भी दुख रहा है इसकी वजह से मतलब अजीब सा ही लग रहा है और यहाँ पर मैंने बताया था ना कि आपको मुझे वो मायका पसंद नहीं आया है मतलब जो लगवाया था पहले तो वो अच्छा नहीं लगा था मुझे तो इसी वजह से वो अभी चेंज कर रहा है जो मैंने बोला उनको वो लगवा के दे रहा है और यहाँ पर शेड ऊपर से कुछ इस तरह से बन गया है और यहाँ पे ना वो आ, इतना अच्छा मेरा पेड़ काट रहा है यार इतना छोटू सा कर दिया है ना पेड़ इतना ख़राब लग रहा है पेड़ भी काट दिया है मैंने उनको बोला कि पेड़ के ऊपर वो नहीं चाहिए शेड नहीं चाहिए मुझे क्योंकि उस पर पानी नहीं गिरेगा जैसे बारिश का पानी वगैरह होता है ना तो वो गिरेगा नहीं और उससे पौधे ग्रो नहीं करेंगे इसी वजह से मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे उसके ऊपर नहीं चाहिए सिर्फ मतलब गाड़ियों के ऊपर ही चाहिए तो यहाँ पर देखो पौधों का क्या हाल हो गया है और इतना छोटू सा हो गया है मेरा पेड़ वो सफ़ेद फूल वाला दिल भी दुख रहा है यार क्या कर सकते हैं और यहाँ पर हो गया था शाम के चाय का टाइम एक्चुअली दो तीन बार चाय हो गई थी इससे पहले बट वो चीनी की बनी थी यहाँ पर मैं गुड़ की बना रही थी चाय तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो गुड़ की चाय बनाने के लिए बहुत लोगों की गुड़ की चाय फट जाती है वैसे मेरी भी फटी थी बट जब मैं मामा के घर गई थी ना जब मामा की शादी थी उस टाइम एक मामा का बेटा है और उसकी होटल है तो मैंने उससे चाय सीखी थी गुड़ की चाय कैसे बनाते हैं तो चाय में जब हम लोग दूध डालते हैं ना तो थोड़ा सा सोडा मिक्स कर दीजिए जो हम लोग पकौड़े वगैरह में डालते हैं ना वो सोडा थोड़ा सा सोडा मिक्स कर दीजिए एकदम चुटकी भर और उसके बाद आप चाय पाउडर डालिए और उसके बाद आप गुड़ डालिए तो इस तरह से झाग भी आएगा उसमें और इतनी टेस्टी लगती है ना चाय फटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है एक बार जरूर ट्राई करना है ये चाय की रेसिपी बस यहाँ पर चाय के कप्स भर दिए है और ये ट्रे लेके जाएंगे सबके लिए हे hey गाइस अभी अभी क्लीनिंग खत्म हुई है देखो क्लीन लग रहा है ना प्लेटफॉर्म क्लीन लग रहा है यहां पर भी लेकिन यहां का मेस अभी तक तो क्लीन नहीं हुआ है अब देखो यहाँ पर मेस वैसा का वैसा ये वो यहाँ पर से निकाला हुआ है उन्होंने यहाँ अंदर वायरिंग की थी क्योंकि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर लाइट लगाया है मतलब जो स्पॉट होता है वो तो इसी वजह से इसमें से निकाला हुआ है तो वो अच्छे से लगाना है बट उससे पहले माही की डिमांड है कि मुझे ब्रेड पकौड़ा चाहिए तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड पकौड़ा बना दूँ उसकी डिमांड इतने कामों के बीच में उसकी डिमांड है यार क्या यार माही आप तो इतनी थक गई हूँ मैं और उसके बाद उसको ब्रेड पकौड़ा खाना है तो ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ तो चलिए जल्दी से ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उसके बाद वो जो है वो टेबल का सामान वो पूरा उठा के इसमें रखना है और अच्छे से दोबारा से क्लीन करना है एक बार कपड़ा मार देना है और तो चलिए जल्दी से करते हैं क्योंकि बाहर का तो इन्होंने हेल्प की करने के लिए अंदर अंदर का ही मैंने किया सिर्फ तो चलिए जल्दी से लग जाते हैं अपने कामों में पहले हमें स्टफिंग रेडी करनी है तो स्टफिंग करने के लिए मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है कम क्वांटिटी में बनाना है मुझे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है क्योंकि इन्होंने बाहर से कुछ लाया है अपने लिए तो इसी वजह से मैंने बस एक ही बड़ा साइज का पोटैटो लिया है और उसके बाद उसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी कुकर में और उसके बाद मेरे पास है चीज़ स्लाइस तो चीज़ पकोड़ा बना रहा है ना पर ये तीन ही चीज स्लाइस है चौंगे या चीज़ क्यूब चाहिए तो उसके लिए मेरे पास चीज स्लाइस है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर ए, ब्राउन ब्रेड लिए है मैंने आप चाहो तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो आपके पास जो ब्रेड है वो आप यूज़ करो और बस यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है घोल बनाने के लिए ऊपर से जो कवर होता है वो बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्च पाउडर ऐड कर दी है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और बस इसका घोल बना के रख दूँगी और उसके बाद जो आलू बॉईल किया है उसका मैं स्टफिंग के लिए उसको रेडी करूंगी तो यहाँ पर घोल बन रहा है अच्छे से इसे फेट लेना है ताकि उसमें कुछ भी लम्स ना रहे अच्छे से पेट के साइड में रख दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ पोटैटो बॉईल हो चुका था बट इसका मैं बताती हूँ पोटैटो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी ना तो इसी वजह से पोटैटो अंदर से बॉयल ही नहीं हुआ था मैंने काट के डालना चाहिए था बट काट के डाला ही नहीं तो इसी वजह से अंदर से बॉयल नहीं हुआ बाद में पता चला कि अंदर से ये बॉयल ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च काट ली है उसके जब आ, स्मैश करने गई यहाँ पर मैंने आ, चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल दिया है मिर्च पाउडर डाल दिया है हरी मिर्च डाली थी तो वो याद ही नहीं रहा था तो इसी वजह से मिर्च पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा दिखा हो गया था ये आलू भी अंदर से पका नहीं था तो मैंने उसको काट लिया और उसके बाद उसे माइक्रोवेव करने के लिए रख दिया माइक्रोवेव होने के बाद ये अच्छे से पक गया था आलू फिर उसको स्मैश किया अच्छे से और उसके बाद मैंने उसकी स्टफिंग की आप चाहो तो ब्रेड को सॉस भी लगा सकते हो मैंने ऐसे ही लगा दिया था और आप चाहो तो ब्रेड को वो भी लगा सकते हो बटर भी लगा सकते हो तो जो भी लगाना है आप चाहो लगा सकते हो जो भी आपको पसंद है तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से बना लिया था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बनाना था मुझे बट इतनी जल्दी जल्दी बनाने के बाद भी इतना टेस्टी बना था ना कि आपको क्या बताऊँ मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में स्टफ़िंग लगा दी है और उसके बाद मैंने बीच में चीज़ स्लाइस रख दिया है और उसके बाद अभी घोल जो है वो घोल में अच्छे से मिक्स कर दूँगी बर्तन भी छुटा हो गया था यार ऐसे ही होता है जब जल्दबाजी में हम लोग कुछ काम करते हैं ना तो ऐसे ही होता है तो मैंने क्या किया बस इस तरह से इसको लगा दिया अच्छे से ऊपर से और नीचे से कोट कर दिया और बस ये वाला जो है मैं रख दूँगी अभी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था तो अभी ये डाल दिया है मैंने कढ़ाई में और अच्छे से दोनों साइड से हो जाए तब इसे निकाल लेना है और यहाँ पर देखो एक साइड से हो गया था अभी दूसरे साइड से जब होगा तब मैं इसे निकाल लूँगी और अच्छे से टाइम पर पलटाना है आपको इसे नहीं तो आपका ब्रेड पकौड़ा जल जाएगा और हाँ ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना साइड से लग गया था यार और इसके निकालने का टाइम आ गया है हो गया है ये ब्रेड पकौड़ा हमारा और आप देखो कितना अच्छा दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और हाँ ज़रूर ट्राई करना रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो सिंपल सी है आप चाहो तो इसमें ऐड भी कर सकते हो बहुत कुछ और इसे आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो सॉस के साथ खा सकते हो शेजवान चटनी के साथ खा सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर से ये इसे कट कर लिया और देखो कितना ज़्यादा अच्छा बनाया है और अंदर से स्टफिंग भी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसमें चाहो तो प्याज भी ऐड कर सकते हो हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो आप आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो मतलब जैसे आपको पसंद है आप ऐड कर दीजिए और बना लीजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है तो चलिए अभी ये दे देती हूँ बच्चों को और बच्चों के पापा को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बोलती हूँ मुझे पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है फिर भी इन्हें थोड़ा सा खिला देती हूँ यह, यहाँ पर देखो बहुत ही यम्मी दिख रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है बच्चे भी खा लेंगे और इन्हें भी खिलाती हूँ जबरदस्ती से थोड़ा सा खिला देती हूँ तो अपना नॉन ही खाएंगे चिकन लाया है इन्होंने तो आज ये भी खाएगा स्पाइडर चीज पकौड़ा और ये है आपके लिए चीज पकौड़ा चीज पकौड़ा कपाने लगेडरमैन का तो मुंह बंद होता है ना हाँ क्या ऐसे हाँ ऐसे अरे खाओ 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 मकड़ी का जाला फेंको अपना हाँ चलो चलो आप हाँ 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 आप, आप तो आपका चिकन ही खाओगे ना।, ना ये खा के देखो पहले कैसा बनाए बढ़िया ऐसे ही बोलने के लिए बोल रही है सच में अच्छा बना है ऐसा कुछ भी हो सकता है अच्छा है ना हम्म सच में मुझे लगा था ये ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हम्म hmm, बहुत चीजी चीजी लग रहा है मुझे पसीना अच्छा फ्रेश भी नहीं हुई हूँ मैं इतने काम थे यार समझ जाओ अभी बिल्कुल फ्रेश होने का मन नहीं कर रहा है वॉच भी, भी है स्पाइडरमैन की वॉच स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम सब कभी भी आपने शूटिंग की तब वॉच ही वॉच हाँ वॉच ही वॉच और मेरा ड्रेस भी नहीं दिखाता देखो और ये मेरा मास है देखो ना ये मेरा मास है हाँ ये अद्विक का मास्क है ये ऐसे करने के बाद ये देखो ये अद्विक पूरा स्पाइडरमैन दिखता ओ अरे वाह वाह पूरे पूरे स्पाइडरमैन दिख रहे हो पूछो कुछ पूछो कैसा लग रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ मैं जरूर कमेंट करके बताना हाँ, और मामा के सब्सक्राइब भी कर देना व्यूज भी बढ़ा देना <laughs> और घंटी गंट, को भी दबा देना अरे वाह 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 थैंक यू बेटा थैंक यू इतना बोलने के लिए चलो अभी अद्विक ने बोला है आपको तो करना ही पड़ेगा चलो मैं खा लेती हूँ पहले क्योंकि वेट नहीं हो रहा है मुझसे भी आपने, है मेरी तो और अंदर है लेके आना है मैं इतना खा लो पहले अद्वी बाद में अंदर का लेके आऊंगी मैं अरे आंखों से दिख रहा है क्या आपके अरे <laughs> ये नन्ना सा मुन्ना स्पाइडर सा मैन अरे जो पकोड़ा खाता है पहली बार देख रहे हो ना स्पाइडर मैन को पकोड़ा खाते हुए वो भी चीज सैंडविच हाँ चीज सैंडविच चीज पकोड़ा। क्या अरे क्या हो गया मिर्च लग गई क्या अरे यार आप लोग बनाते टाइम ना थोड़ा सा तीखा कम डालना मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी और लाल मिर्च भी डाल दी थी गलती से डाल दी थी लाल मिर्च क्योंकि मुझे पत... मतलब याद ही नहीं रहा कि मैंने हरी मिर्च डाली है करके ये देखो आर्मी मैन किससे ढूंढ रहे है पाँगा <laughs> पाँगा पाँगा को। पाँगा 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 मुझे लग रहा है आप डर रहे हो हाँ 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 एक मिनट एक मिनट अद्वी को बोलने दो हाँ हाँ नहीं, नहीं। सच वाला कॉकरोच जो रियल वाला होता है, मतलब उसकी बोला। दुची, दुची है।, होती, है।, है होती है हाँ 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 वही पस... आर्मी मैन डर रहे कॉकरोच तो तो ऐसी नहीं कॉकरोच को खाने वाले हैं पस... पस... पैर से मारते थे, थे आप ब्रे बॉय हो देखो आर्मी मैन देखो काक्रोच से डर रहे और इधर उधर से झाड़ू लेके ऐसे कर रहे हैं है। हाँ, है। है, देख हाँ। डरेगा ना फिर वो ऐसा नहीं नहीं वो ब्रेव बॉय है ठीक है बोल है देखो लाइट नहीं बंद हुए कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको जा रहा क्या? तो क्या अरे वो बॉय है ना मैं बता रही आपको। सही जा हाँ। कोई उसको फर्क नहीं पड़ता आ जाओ आ जाओ बेटा कोई बात नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ मजाक कर रहे पापा मजाक कर आ जाओ आपको बताया था ना मैंने कि ये टेबल का मुझे पसंद नहीं आया तो वो चेंज करने वाला है तो मायका वो चेंज कर दिया है उन्होंने और ये वाइट लगा दिया है यहाँ पर पट्टी वाइट की लगाने के लिए बोला था मैंने तो वो अभी ब्राउन की लगाने के लिए बोला है तो वो भी ब्राउन की लग गई है और ये पूरा वाइट हो गया है अभी और साइड का मायका है ब्राउन और डार्क ब्राउन और ऊपर का भी मायका डार्क ब्राउन है तो अभी ये वाइट अच्छा दिखेगा क्योंकि इस पे नॉब भी आएंगे ना तो नॉब अलग कलर के आएंगे मतलब गोल्डन वगैरह के आएंगे तो इसी वजह से वो थोड़ा सा उठ के दिखेगा तो ऐसे बना है ये वाला टेबल बन जाएगा ना पूरा लुक पता चल जाएगा आपको बनने के बाद नॉब वॉब लगने के बाद तो पूरा लुक उसी टाइम पता चलेगा आपको नॉब लगने के बाद ही अच्छा दिखेगा ये खा रहे हैं खाना और मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और सो जाती हूँ बहुत ज्यादा गई हुआ है तो चलिए फिर इसके साथ इस ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ देखो देखो ये बज गया है और मिलती हो अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही हूँ मैं आज मुझे ही देखने से अच्छा नहीं लग रहा है हाँ लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो आजकल ला आप लाइक ज़रूर कर दिया करो यार और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स मैंने अपलोड किए हैं आपको पसंद आने वाले हैं तो चलिए फिर बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बा ज्यादा लाइक करना मत भूलना और यहाँ पर अभी ये बर्तन है ये वॉश कर लेती हूँ यहाँ पर प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर लिया है बस अभी ये थोड़ा सा समेटना है बस ये समेट लेती हूँ और अपना स्किन केयर करती हूँ चलिए बाय बाय टेक केयर